यहाँ पर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। टीचर, छात्र और माता पिता की चिंता खत्म होनी चाहिए, इसलिए ये फैसला हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स भी ऐसे थे जिन्होंने इस बात की अपील प्रधानमंत्री से की थी कि बोर्ड की परीक्षाएं, 12वीं क्लास की परीक्षाएं नहीं करवाई जाए, बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, कोरोना संक्रमण उनको हो सकता है। और ऐसे में अब आज जो बैठक हुई उसमें ये फैसला किया गया कि CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। छात्रों की सेहत हमारी पहली प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और इसीलिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई हैं CBSE बोर्ड। टीचर, छात्र और माता पिता की चिंता यहां पर खत्म होनी चाहिए। इस बैठक में जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल थे और ये फैसला इसी बैठक में लिया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री निशंक, जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, इस बैठक में शामिल वो नहीं हो पाए, लेकिन इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या इस वक्त परीक्षा करवाना सही है छात्रों के लिए या फिर नहीं है। और ये फैसला आखिरकार ये लिया गया कि छात्रों की सुरक्षा, उनकी सेहत पहली प्राथमिकता है, और इसीलिए CBSE के 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया है। छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है।